हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह आज आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ डाइट के ऊपर। रोल साउंड एक्शन। आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे पूरी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग और अनइवन ईटिंग्स के लिए। बेसिकली जो अनइवन ईटिंग है, जैसे मैं आपके सामने भी बिस्किट खा रहा हूँ बैठा, और आप सोचोगे कि बिस्किट क्यों खा रहा है यार, ऐसा क्या है इसके अंदर जो बिस्किट खा रहा है, और इतने बड़े डॉलर्स के बिस्किट खा के हो गए तो ऐसा नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अनइवन ईटिंग्स के बारे में। तो आज के टाइम अगर आप देखिए, अभी 2018 राइट नाउ, तो लोग बहुत बिजी हैं अपने काम्स को लेके, और लोग अपने बिजनेस में इतने बिजी हैं, जॉब्स में इतने बिजी हैं, तो सबकी अलग अलग पैटर्न हैं जॉब्स के। कोई नाइट ड्यूटी में है, कोई नाइट शिफ्ट्स के अंदर काम कर रहा है, कोई मॉर्निंग में है, तो उनके लिए डाइट के क्राइटेरिया बहुत ऊपर नीचे हैं, कोई बैलेंस नहीं है उनकी डाइट का। अगर एक बार उन्होंने खा लिया दिन में, तो उसके बाद उनका कोई टाइमिंग नहीं है, अभी 4 घंटे के बाद खाना है या 5 घंटे, उनके 10-10 घंटे का गैप पड़ रहे हैं खाने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने गैप के बाद अगर कुछ खाते हैं, जैसे अब किसी ने मॉर्निंग में खाया, अगर वो रात को खा रहा है, तो 10-11 घंटे का गैप हो गया। इट मीन्स को उसका इम्यून सिस्टम उसका स्क्वीज़ हो गया बहुत ज़्यादा, कि उसने 10 घंटे से कुछ खाया नहीं, और जैसे ही वो एकदम लोड करता है, तो फिर वो खाता है ऐसे जैसे उसको ज़िंदगी में आखिरी बार खाना मिलने लगा और कल से मिलेगा नहीं। तो वो इतना का लोड कर लेता है अपने अंदर कि उसका जो इम्यून सिस्टम वो ब्लास्ट कर जाता है, इम्यून सिस्टम जो है उसका एकदम ब्लोट हो जाएगा आपको, और आपको गैस हो जाएगी। फिर इनो ढूंढता पड़ेगा, यार इनो दे दे भाई, पुदीना दे दे कुछ यार, मेरे ब्लोटिंग होगी भाई। और उसके बाद जो पर्यावरण को दूषित करता है वो अलग, और आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये अनइवन ईटिंग्स के नतीजे होते हैं। तो एक आपको बैलेंस करके चलना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर भी, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं हम उनको ठीक करें, जिससे कि आप हेल्दी लाइफ जी सकें। ठीक है, ये आपको खुद करना पड़ता है। जैसे कि आप जॉब्स के देख लीजिए, जिनकी नाइट शिफ्ट है, बेसिकली एग्जांपल हम नाइट शिफ्ट का लेते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट है, उनकी क्या है, एक तो उनकी स्लीपिंग हैबिट्स हिल जाती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखो रात की नींद रात की होती है, उसको हम दिन में नहीं पूरा कर सकते, जब सूरज ढल गया तभी सोना है, दिन में आप सोएंगे क्या करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट जो मैनेज करनी चाहिए भी, हम इतने न्यूट्रिशन इस टाइम लें और इसको इतना लें तो हम ठीक रहेंगे। अब क्या करते हैं लोग, नाइट शिफ्ट जिनकी होती है, एक तो उनकी वैसे स्लीप ख़राब हो रही है नेचुरली जो है, क्योंकि वो नेचर से तो वैसे ही बेचारे खेल रहे हैं, नहीं ले रहे अपनी स्लीप टाइम से, और उसके बाद फिर वो ईटिंग पैटर्न उनके बहुत गंदे हैं, वो एक हेल्दी नहीं खा रहे, क्या मिल रहा, मैगी मिल रही, मैगी खा रहे हैं, कभी चाय मिल गई, बिस्किट मिल गया वो खा लिया, तो उनके न्यूट्रिशन का कोई चार्ट नहीं है अभी, यार इतना मैंने प्रोटीन खाना है, या इतना मैंने कार्ब्स खाने हैं, या इतना मैंने फाइबर खाने हैं, या इतना मैंने फैट लेना है, तो उनको कोई एक गोल नहीं है लाइफ के अंदर सेट होने का। तो उसी हैबिट्स के कारण उनको जो बीमारियां लग जाती हैं, वो जब उनको बीमारियां लग जाती हैं, उनको बाद में पता चलता है यार क्यों लगी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट जो पैटर्न है वो आपको उनको शेड्यूल जो है आप उनको आप खुद करें। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देना चाहूँगा एक, कि जैसे सपोज़ कि ये मैं अपना एग्जाम्पल दे दूँ, अब जैसे मैं मॉर्निंग में मैं 7 बजे सुबह मैं घर से निकल जाता हूँ जिम के लिए, बिकॉज मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं खुद, है ना, तो मैंने उनको ट्रेनिंग्स भी देनी है। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो अपनी मील्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने अपनी मील प्रेप करी, मैं उनको पैक करता हूँ, साथ लेके जाता हूँ, तो मैंने वही 2.5-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना होता है, जैसे कभी फ्रूट्स खा लिए, स्प्राउट्स हो गए, एग्स ले गया बॉयल करके, चिकन ले गया मैं साथ में, राइस ले गया, तो मेरा अलग अलग है, पर वो खुद करना पड़ता है हमें, वो कोई नहीं करेगा आपके लिए, बिकॉज आपको पता है आपकी बॉडी को क्या नीड है और कितनी नीड है। अगर यही चीज़ें मैं 7-8 घंटे के गैप के बाद खाऊंगा, तो मेरा तो काम हो जाएगा, मैं तो जी नहीं सकता इसके बिना, मैं मेरे को तो चक्कर आने लग जाएंगे, उसके बाद लोग मुझे उठा के लेके जा रहे होंगे, उन्होंने कहना ये तो गिरता फिर रहा है, हमें क्या ठीक करेगा। ठीक है ना, तो वो बड़ी डिपेंड करती है चीज़, अगर मैं खाना ना खाऊं मैं तो गिर जाऊंगा भाई, मेरे तो बिल्डिंग इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है मैंने इसको संभालने के लिए, मुझे कुछ तो चाहिए। तो वो खुद करना पड़ता है आपको, जो भी बैलेंस है आपको आपने आप खुद करना पड़ेगा अपनी डाइट को। तो आप जब भी, मैं एग्जांपल दूं, जैसे भी आप कभी जॉब पे जाने लगे हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा कैरी करें कि आप जब आपको भूख लगे या फिर जब आपको बिल्कुल क्रेविंग हो किसी चीज़ की, तो आप वो खा सकें। जैसे अब नॉर्मली आप बिस्किट का पैकेट कैरी कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा मैरी गोल्ड का बिस्किट ले लीजिए, आजकल बहुत तरह के बिस्किट्स आ रहे हैं, ओट्स वाले आ गए हैं, न्यूट्री चॉइस के आ रहे हैं, कितने वो अपने साथ कैरी करें भी, आप कुछ हेल्दी खा सकें, अनहेल्दी ना खाएँ। ठीक है, अपने साथ आप ओट्स लेके जा सकते हैं, ओट्स की मील्स आजकल कितनी आ गई हैं यार, नमकीन आ रही हैं ओट्स बनने के लिए, मीठे वाले भी आ गए हैं। अब लोगों को हिंदुस्तान ने चटकारा बहुत है ना खाने का, उन्होंने फीके ओट्स तो खाने नहीं, तो कंपनी भी क्या करे, उन्होंने आपके हिसाब से भी बना दिए भी, लो खाओ कुछ तो खाओ पर अच्छा खाओ
तो आप वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, आप अपने साथ आलमंड्स कैरी कर सकते हैं, नट्स कैरी कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। जैसे कि आप स्प्राउट्स लेंगे, चने दाल जिसको हम भिगो के, जैसे पुराने टाइमों में चने खा लो भाई भिगो के, वो मार्केट में भी आजकल अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है घर पे रखने का, अवेलेबल आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। वो लिए, थोड़े से उसमें बेल पेपर्स डालिए, ब्रोकली डाल ली हल्की सी, बीच में उसके नट्स डालिए। और ज़्यादा आपको चटकारे वाले बंदे हैं तो फिर अभी बाकी सॉसेज भी आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ 98% फैट फ्री होती हैं, वो भी आप थोड़ी सी उसमें डाल के उसको टेस्ट कराई भी खा सकते हैं। तो ऐसे ये आपको कस्टमाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई आपको आगे नहीं बताएगा अभी आपने क्या करना, वो आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, उसको कैसे हेल्दी वे में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है, कोई नहीं आपको कराएगा अभी या ऐसे कर ले। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, है ना, करना तो आपने खुद ही है। वही बात है ना, मैं आपको एक वेद बता सकता हूँ भी इस पे चलेगा तो वहाँ तक पहुँचेगा, पर अगर आपने जाने ही ऐसे घूम घूम के आया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा आज का एपिसोड इसी के लिए था कि आपको थोड़ा सा मैं डाइट के बारे में जो है एक वे पे, एक रास्ते पे डाल सकूं कि आप जो है अच्छी चीज़ खा सकें। वैसे कि मैं अभी बिस्कुट खा रहा हूँ, आपसे बात करूँ मुझे भूख लग रही है यार बहुत। थैंक यू सो मच ये मेरा वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, नीचे लिंक है उस पर जाके सब्सक्राइब करें।